अपना तर्क बड़ा नहीं करेंगे तब तक हम उनकी रक्षा करना मुश्किल है। घर परिवार के बीच से एक कोई व्यक्ति थोड़ा अलग हो जाता है और कहीं ना कहीं कंपनीज के फेवर में काम करना प्रारंभ करता है और कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण उनको रोजगार का एक दो पांच परिवार को रोजगार का बहाना देकर पूरे गांव को तोड़ देती है। डंडवा कोयलांचल ने जो भू रहितों के जमीन को फर्जीवाड़ा करके बाहरी लोगों करवाए हैं, क्या इस तरह ये बेसिक नापी होनी चाहिए? सर क्या झारखंड में बाहरी तंत्र हावी है? नहीं, विचार तंत्र से कुछ नहीं होगा, ये देश कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विचार लोकल होना चाहिए, विकार लोकल होना चाहिए और उसका अधिकार भी उसी तरह से होना चाहिए। जब सक्षम लोग नीचे होंगे, घर गाँव में होंगे, तो उनके लिए अवसर देना चाहिए। सर यहाँ के रहने का जमीन का फर्जीवाड़ा किया जा रहा है सर? ये बिल्कुल इस तरह से होगा। हजारीबाग में देखे होंगे कि एक केस आया है, जो एनटीपीसी का मामला एक बड़ा आया है और उस पर अभी बहुत सुनता होगा। कभी कभी अधिकारी लोग ऐसे जगह पे आने के बाद खुद को शासक मान लेते हैं और वो कहीं ना कहीं एक जमीन को तीन तरह के दर्शाते हुए लोगों के साथ और लोगों की जमीन के साथ खिलवाड़ करते हैं। सर जमीन एक बड़ा मुद्दा है, जमीन एक बड़ा मुद्दा है। मैंने कहा कि अभी भी जमीन के अंदर आप खतियानी रूप से हमारा बाप दादा के खतियान पर चीजें चल रही है, भूमि का ट्रांसफर नहीं हुआ है। जब तक लैंड ट्रांसफर लैंड रिफॉर्म नहीं करेंगे, अभी ये नियम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम परिवार, हमारा कोर्ट कचहरी में कौन जा रहे हैं? परिवार के लोग जा रहे हैं, आपस में भाई भाई जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा बोलोगे कि कोई बड़ा चुनौती क्या है तो ये लैंड रिफॉर्म इस प्रोसेस के अंदर। सर मनवा टोकरी एक गांव है सर, आपका सुनेंगे सर। सर मनवा टोकरी एक गांव है सर, उसके चारों ओर माइनिंग किया गया सर, वहां की आबादी मैं देखा, अभी भी गांव बस रहे हैं। अब ये